अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मेरे पास दो डिवाइसेज हैं, एक है Infinix Note 11 और दूसरी डिवाइस है दोस्तों Redmi Note 11। दोनों डिवाइसेज का एक क्लियर सा कंपैरिजन करेंगे आज की वीडियो में, ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इन दोनों डिवाइसेज में से कौन सी डिवाइस परचेज करनी चाहिए, या दूसरे लफ्जों में अगर कहें कि इन दोनों डिवाइसेज में से कौन सी डिवाइस वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का कंपैरिजन। दोस्तों सबसे पहली चीज जो कि Infinix Note 11 को सुपीरियर भी बनाती है Redmi Note 11 से और वैल्यू फॉर मनी भी बनाती है, वो है इसकी प्राइसिंग। दोस्तों ये दोनों जो डिवाइसेज हैं मेरे पास 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है, और इनकी प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। Infinix Note 11 जो है 29,000 रुपये की रिटेल प्राइस के साथ अवेलेबल है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जबकि Redmi Note 11 35,000 रुपये की रिटेल प्राइस के साथ अवेलेबल है 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। तो प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि स्पेक्स की तरफ देखें तो Infinix Note 11 में काफ़ी सारी अच्छी स्पेसिफिकेशन, बेटर स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाती हैं Redmi Note 11 से। तो सबसे बड़ा और मेन डिफरेंस यही है यहाँ पर, इसकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी एग्रेसिव आप बोल सकते हो प्राइसिंग है Infinix Note 11 की। और आई थिंक के मोस्टली पीपल जो हैं वो यही चीज़ देखते हैं कि कम प्राइस में बेहतर स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाए। तो Infinix Note 11 की इसकी प्राइसिंग जो है इसको सुपीरियर भी बनाती है और वैल्यू फॉर मनी भी बना देती है। यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो Infinix Note 11 यहाँ पर भी बाजी ले जाता है। यहाँ पर आपको MediaTek Helio G88 का चिपसेट मिलता है, 12 नैनोमीटर वाला चिपसेट है, साथ में Mali G52 का GPU है, जबकि Redmi Note 11 में आपको Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट मिलता है 6 नैनोमीटर वाला, और साथ में Adreno 610 का GPU मिलता है। इन दोनों के GPUs में जो Mali G52 है दोस्तों ये तगड़ा GPU है, इसका एंटीट्यूड स्कोर भी ज़्यादा है और डे टू डे यूजेज में ज़बरदस्त है। इसके अलावा गेमिंग की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है, नॉन गेमिंग टास्क भी काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, इसके साथ साथ मल्टी टास्किंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये चिपसेट। तो इसको आप बोल सकते हो ऑलराउंडर बना देता है Infinix Note 11 को, किसी तरह भी आप किसी तरह का भी यूजेज है आपका, आपको Infinix Note 11 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जबकि यहीं पर बात करें Redmi Note 11 की तो डे टू डे यूजेज में ज़बरदस्त है, अच्छे तरीके से वर्क करता है, टास्क अच्छे कंप्लीट कर लेता है, मल्टी टास्किंग भी ठीक कर लेता है, लेकिन गेमिंग में आकर ये मार खा जाता है, गेमिंग आपको इतनी अच्छी नहीं करवा सकता। यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं PUBG मोबाइल की अगर बात करें तो Infinix Note 11 में आप 40 FPS की PUBG मोबाइल की गेमिंग कर सकते हो, जबकि Redmi Note 11 में आपको 30 FPS की गेमिंग मिलती है, इससे ऊपर की गेमिंग नहीं मिलती। और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी Infinix Note 11 की अच्छी है गेमिंग के अंदर एज कम्पेयर टू Redmi Note 11। यहाँ पर दोस्तों Infinix Note 11 का जो GPU है इसके अंदर आपको दो कंप्यूटिंग यूनिट मिल जाते हैं, जबकि Redmi Note 11 में एक ही कंप्यूटिंग यूनिट लगाया गया, जिसकी वजह से भी Infinix Note 11 जो है वो अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है डिफरेंट टास्क के अंदर। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्लियरली जो विनर है हमारे पास वो Infinix Note 11 है। कोई भी टास्क हो आपके पास, गेमिंग करनी है आपको, नॉन गेमिंग टास्क है, कोई भी एप्लीकेशंस आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज़ करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, तो Infinix Note 11 हर जगह पर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू Redmi Note 11। डिस्प्लेस की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाते हैं। अब यहाँ पर भी Infinix Note 11 बाजी ले जाता है, किस तरह से कि यहाँ पर आपको बड़ा एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है, जबकि Redmi Note 11 में आपको 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। अगर आप कंपेयर करें इसकी प्राइस कैटेगरी में तो यह सबसे बड़ा डिस्प्ले है Infinix Note 11 का, और एमोलेड डिस्प्ले है, ये भी चीज़ आपने जेहन में रखनी है। इसके अलावा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है वो आपको Infinix Note 11 में काफ़ी अच्छी मिलती है, यहाँ पर तकरीबन 91% के करीब जो है आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है, जबकि Redmi Note 11 में आपको 84% के करीब जो है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है। नीचे की तरफ थोड़े बेजल्स ज़्यादा हैं और साइड वाले बेजल्स भी Infinix Note 11 की निस्बत जो है Redmi Note 11 में ज़्यादा है। तो ये जो है इसको सुपीरियर बना देती है, एक तो बड़ा डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल जाती है Infinix Note 11 में। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको रेयर में 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप मिलता है, Infinix Note 11 में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जबकि Redmi Note 11 में क्वाड कैमरा सेटअप है। फ्रंट कैमरा Infinix Note 11 में 16 मेगापिक्सल का है और Redmi Note 11 में आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है।
यहाँ पर एज ले जाता है इन्फिनिक्स नोट 11 फ्रंट कैमरा के साथ में आपको डुअल एलईडी फ्लैश मिल जाती है, रियर के साथ क्वाड एलईडी फ्लैश मिल जाती है। मतलब लो लाइट में रात में इमेजेस वीडियोस बनानी हो तो आप इन फ्लैश लाइट्स का यूज कर सकते हो। फ्रंट में भी है, रियर में भी है, तो कोई आपको इशू नहीं आएगा। जबकि रेडमी नोट 11 में फ्रंट साइड पर आपको एलईडी फ्लैश नहीं मिलती है। इसके अलावा वीडियो रेजोल्यूशन में भी एज ले जाता है इन्फिनिक्स नोट 11। यहाँ पर आपको 2K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जबकि रेडमी नोट 11 में आप 1080 पिक्सल तक वीडियो शूट कर सकते हो 30 FPS में। यहाँ पर 60 FPS का ऑप्शन भी अवेलेबल था, लेकिन अपडेट आने के बाद 60 FPS खत्म हो गया है। अब 720 और 1080p में 30 FPS के साथ ही वीडियो शूट कर सकते हो। तो एक और एज यहाँ पर ले जाता है इन्फिनिक्स नोट 11, वो है वीडियो स्टेबलाइजेशन फीचर। यहाँ पर आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का फीचर भी मिल जाता है, जबकि रेडमी नोट 11 में आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर वीडियो सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि इन्फिनिक्स नोट 11 जो है काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि रेडमी नोट 11 में आपको काफ़ी शेकी फुटेज जो है देखने को मिलती है। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको तमाम फीचर्स मिल जाते हैं। स्लो मोशन भी दोनों डिवाइसेज में अवेलेबल है। इसके अलावा भी सारे के सारे फीचर जो एक कैमरा ऐप में होने चाहिए वो तमाम फीचर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल के लिए दोनों डिवाइसेज में अलग से एक मोड दिया हुआ है। अगर आपको हाई रेजोल्यूशन इमेज क्लिक करनी है तो आपको वो मोड ऑन करना होगा 50 मेगापिक्सल का, तो आप जो है एक इमेज क्लिक कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि Redmi Note 11 का जो प्रोसेसर है वो 32 मेगापिक्सल तक मैक्सिमम सिंगल कैमरा को सपोर्ट करता है, जबकि इन्फिनिक्स नोट 11 के जो प्रोसेसर है वो 64 मेगापिक्सल तक के सिंगल कैमरा को सपोर्ट करता है। जिसका मतलब ये है कि इन्फिनिक्स नोट 11 में आपको इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी, AI जो है काफ़ी अच्छा मिलेगा, कलर्स वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर निकल कर आएंगे एज़ कम्पेयर टू रेडमी नोट 11। ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी इन्फिनिक्स नोट 11 जो है यहाँ पर एज ले जाता है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर इसने दी है। काफ़ी सारी मैंने इमेजेस वीडियोस बनाई हैं, सारे सैंपल्स मैं आपको साथ साथ शो भी करवा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया होता जाए कि आपको कौन सी डिवाइस जो है उसकी तरफ जाना है। इन्फिनिक्स नोट 11 में ना दोस्तों रियर कैमरा की क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। AI जो है काफ़ी तगड़ा है इन्फिनिक्स नोट 11 में। मतलब लैंडस्केप वगैरह की इमेजेस अगर आप लेते हो ना तो अच्छे तरीके से सीन को जो है समझ पाता है किस तरह का सीन है, और कलर्स वगैरह को उसके अकॉर्डिंगली जो है ये सेट कर पाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, एज़ कम्पेयर टू रेडमी नोट 11। रेडमी नोट 11 में जो कलर्स हैं ना वो थोड़े डिम रहते हैं, डिम रखता है कलर्स को, इतने मतलब खिले खिले कलर्स आपको जो है ना रेडमी नोट 11 में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा ह्यूमन स्किन के ऊपर भी जो है इन्फिनिक्स नोट 11 अच्छा परफॉर्म कर पाया है, जबकि रेडमी नोट 11 में ह्यूमन स्किन को एक तो सॉफ्ट बहुत ज़्यादा कर देता है, और दूसरा जो स्किन टोन है उसको काफ़ी ज़्यादा येलोइश टाइप कर देता है। तो ये एक मुझे इशू नज़र आया रेडमी नोट 11 में। इसके अलावा फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा भी इन्फिनिक्स नोट 11 का काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू रेडमी नोट 11। लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा स्किन का जो टेक्सचर है, ह्यूमन स्किन का टेक्सचर, वो अच्छे तरीके से कैप्चर करता है इन्फिनिक्स नोट 11, जबकि रेडमी नोट 11 जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर देता है स्किन को और टेक्सचर बिल्कुल गायब कर देता है, जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता इमेज का। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 11 जो है बाजी लेके जा रहा है। कैमरा क्वालिटी जो है काफ़ी तगड़ी आपको मिल रही है इन्फिनिक्स नोट 11 में। बाकी दोस्तों इंस्टाग्राम पर मैं काफ़ी सारी इमेजेस शेयर करता रहता हूँ, डिफरेंट स्मार्टफोन से सेल्फीज वगैरह इमेजेस वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझे नहीं फॉलो किया हुआ तो यहाँ पर आपको जो है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शो हो रहा होगा, लाजमी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा भी जो गिव अवे वगैरह हो रहे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ में, वो तमाम चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर मुझे लाजमी फॉलो कर लीजिए। तो उसे यहाँ पर मैं क्लियरली आपको कह सकता हूँ कि अगर आपको इन दो डिवाइसेस में से चूज़ करनी है डिवाइस परचेज करने के लिए, तो आप इन्फिनिक्स नोट 11 को परचेज कीजिए। एक तो ये वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगी आपको, और वैल्यू फॉर मनी के साथ साथ आपको अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी स्पीड भी यहाँ पर मिलेगी इन्फिनिक्स नोट 11 में। और इसके साथ साथ जो डिज़ाइन है इस डिवाइस का वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा कूल लुकिंग डिज़ाइन है, और ख़ासतौर पर ये जो ग्रीन कलर है इसका, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो उससे ये थी आज की वीडियो कंपैरिजन, क्लियर कंपैरिजन इन्फिनिक्स नोट 11 और रेडमी नोट 11 का। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके जहन में माइंड में ये चीज़ क्लियर होगी होगी कि आपको इन दोनों डिवाइस में से कौन सी डिवाइस परचेज करनी चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।